फिर एक बार इंटरव्यू से बाहर हो गए उसका दुख। देखिएगा सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं उसको सीक्वेंस में लाता हूँ। किसी भी व्यक्ति में जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसका सहसा मूल जो रूट है वो उत्साह है नहीं। उत्साह मीन्स एंथुसियाज्म। आपका उत्साह आपको हमेशा एनर्जी देता है। जो व्यक्ति उत्साहित नहीं है, जिसके अंदर एनर्जी का स्रोत नहीं है, तो फिर काम नहीं करेगा। उत्साह ये होना चाहिए कि हम किसी भी हाल में ये काम अपनी कैपेसिटी से करेंगे और अपनी क्षमता पर विश्वास होगा तो उत्साह होगा। राइट ना। एंथुसियाज्म जो है, कभी कभी देखेगा कोई व्यक्ति एनर्जी खोता भी है। जो उत्साह जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, आइसबर्ग के जैसा। आइसबर्ग देखा है ज्योग्राफी में? आइसबर्ग तो जानते होंगे, है ना। आइसबर्ग में देखिएगा कि सिर्फ एक हिस्सा आपको दिखाई देता है और 90% विद इन होता है, सागर के नीचे होता है। तो आपका जो उत्साह है सामने वाले को इतना ही दिखाई दे। जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने को, तो अपनी एनर्जी खोते हैं। तो आपकी ऊर्जा का सिर्फ 10% वातावरण में आपके आस पड़ोस दिखाई दें, 90% इंटैक्ट रहे, किसी को पता ना चले कि कितने उत्साहित और आप एनर्जी से काम करने जाते। राइट। अगर आप सभी चीज एक्सप्रेस ही करते हैं, सभी को बताते हैं, तो फिर देखिएगा कि जो काम आपने सोचा हुआ है उसकी एनर्जी कम हो। सो सबसे पहला चीज है कि व्यक्ति हमेशा एनर्जी से तभी तक रहेगा जब उसके अंदर उत्साह। सेकेंड स्टेज बताइए, उत्साह का रूट क्या है, कहां से आता है? उत्साह कहां से आते हैं? क्या सोर्स? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट, है ना। और कुछ? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव करना, वो सभी चीज बहुत ठीक है। वो सभी चीज ड्रीम से आता है। क्या से आता है? आपके ड्रीम, गोल, उसी को कहते हैं आप, उसको ऑब्जेक्टिव कह लीजिए और उसके लिए कमिटमेंट कहिए। वो एक सपना है। मान लीजिए कि हमारे लिए एक सपना है कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, राइट। और मेरे पास जितने भी डैशबोर्ड के बच्चे हैं सभी को 200 आ जाए, एक ड्रीम अपना पालता, जिसके कारण मैं किसी भी समय खड़ा। आपका एक गोल होगा कि मेरे आंसर इतने अच्छे हों कि 200 आ जाए और जितने टॉपर्स के रैंक में मेरा जगह हो जाए। सपने होते कि नहीं? या फिर आप बड़े ऑफिसर बन जाए। तो वो चीज है सपना। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ड्रीम है उतना बड़ा पुल फोर्स होगा, होगा कि नहीं। मान लो किसी का ड्रीम कमजोर है, छोटा है, ड्रीम अनावश्यक बना लिया है, पूरे मन से नहीं बनाया है, या उस सपने को उस तरह नहीं जीता है, तो एनर्जी नहीं हो। अब बताइए ड्रीम कहां से आते हैं? आपके सपने कहां से आते हैं? ड्रीम को ओरिजिनेशन, हाँ हाँ। और भी बताइए, किसी से इंस्पायर्ड हो, किसी इंस्पिरेशन है। सर ड्रीम से इंस्पिरेशन है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए कितना कमिटेड है। हाँ देखिएगा, एक कैंडिडेट ने कहा कि किसी से इंस्पायर होके भी ड्रीम आता है। वो आपका जो है एनवायरनमेंट है जो आपको इंस्पिरेशन देता है ना, हमेशा जिंदा रखता है, अपने काम के प्रति चलाए रखता है, वो आपका एनवायरनमेंट है। देखिएगा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंपोज्ड है, हमेशा पढ़ने वाला है, अपने ड्रीम के प्रति लगा होता है, उसके आसपास के जो घर का वातावरण होगा, जिस फील्ड में काम करने जा रहा है वो ऐसा बना होगा। जैसे आपके रूम में देखिएगा कि कोई क्रिकेट खेलता हो तो उसमें देखेंगे स्पोर्ट्समैन है, इस तरह के जो जितने भी आइकन्स के फोटो हैं उसके घर में लगे होंगे। फिर मान लीजिए कि आप कोई बड़े से लीडर बने जा रहे हैं, देखिएगा उस तरह के बड़े लीडर्स का पिक्चर आपके आसपास होगा, उसकी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में होगी। या ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, कोई कमिश्नर बनने जा रहे हैं, देखिएगा कि आपके पास जो आइडल्स हैं, वातावरण है आसपास का, उस तरह का वातावरण बनाने से हम जिंदा रहते हैं और बड़े सपने को पालने में सक्षम। तो मैंने कहा कि हर एक जिंदगी में जो आदमी ऊर्जावान बना रहेगा ये तीन चीजों से। पहला ये है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में शानदार वातावरण बनाइए, एक पॉजिटिव वातावरण, जैसे फ्रेंड सर्किल ही आपने तो ऐसे सर्किल बनाइए जो ऊर्जावान हो, पॉजिटिव एनर्जी रखता हो, पढ़ने की बात करता हो और कोई कंटेंट से बात करता हो, या एक ऐसी एनर्जी जो फील न होने वाली एनर्जी। देखिएगा कि आपकी एनर्जी आपके आसपास भी जनरेट करता है, वाइब्रेट करता है। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो सामने वाला भी उतनी एनर्जी से ऊर्जावान हो जाता है। या फिर आपके फ्रेंड है जो बहुत ही मायूस सा, बहुत ही कम एनर्जी वाला और आपके पास नेगेटिविटी बढ़ने वाला, एक सेंटेंस काफी है। तो वातावरण जो है सबसे पहला चीज है जहाँ पे रहिए, एक बेहतर एकेडमिक वातावरण बनाए, पढ़ने के लिए अच्छे स्टडी रूम हो, वहाँ पे वही चीज हो जो आपको गोल रीच करने में मदद कर सकता हो, उसके प्रति आप समर्पित हो। फिर उस ड्रीम में चलते हैं और उत्साह हमेशा जनरेट करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ये तीन स्टेप जो हमने कहा तो ये हर एक जीवन में लागू होता है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। देखिएगा जब हम कोई एक गोल को लीजिए ना, तो वातावरण में अगर आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी, मान लीजिए कि यूपी बीपीएससी एग्जाम है, कई कैंडिडेट देते हैं, फेल भी होते हैं, पीटी भी फेल होते हैं, मेंस भी, इंटरव्यू भी फेल होते हैं, लेकिन उनके पास ऊर्जा होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पॉजिटिव हो, आपके पास नेगेटिव ऊर्जा डिफ्यूज करता हो, तो ऐसी वातावरण नहीं रहना है। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, देखिएगा कि एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पीपल एक बड़ा सा काम करता है। इसमें बताता हूँ कि ये वातावरण में एक बातें मैं बताता हूँ, फिर अपनी जगह पे आएंगे। देखिएगा ये तीन स्टेप्स हैं कॉमन लाइफ में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो पारिवारिक वातावरण हो, एकेडमिक वातावरण हो, या सामाजिक क्षेत्र में जहां भी हम रहते हैं, एक बेहतर वातावरण बनाएं, एक आइकन क्रिएट करें जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं। और फाइनली ये उत्साह जो है हमेशा बनाए रखें जहां पे हमें परफॉर्म करना है, तो रिजल्ट जरूर बनता है। देखिएगा किसी को 1 वर्ष लगता है, किसी को 4 वर्ष लगता है, लेकिन उस कड़ी में हमेशा अगर इंटैक्ट है तो वो चीज आपको परफॉर्म करता है। देखिएगा यहाँ जो ड्रीम का एक हिस्सा बता देता हूँ, चर्चा कर लेते हैं, आप लोग बताना नहीं, चर्चा कर लेते हैं, फिर कंटेंट की बात करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 2 तरह के हमारे टाइम होते हैं, एक होता है माइनर टाइम और एक मेजर टाइम होता है। माइनर टाइम वो होता है जिसमें हम अपने प्लान बनाते हैं, अपनी ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, और मेजर टाइम वो होता है उस सपने के लिए काम करते हैं। तो देखिएगा जब आपके पूरे दिन हो, आपके पास अच्छी वातावरण है, अच्छी फ्रेंड सर्कल है, आप अपने पास ड्रीम रखते हैं, एक कमिटमेंट रखते हैं, ऊर्जा से काम करते हैं, तो जब भी कोई रात का समय हो, रात फिनिश हो रहा हो, या सुबह अर्ली उठ गए हैं, तो 5 मिनट उस पर लगाइए कि आज का दिन हम किस एरिया में लगा, शाम तक होते होते क्या क्या एक्वायर हो जाएगा। फिर पूरे दिन आपका मेजर टाइम है। मेजर टाइम क्या है? जो आप टेबल पे बैठ के, वहां पे टेबल सिटिंग कंडीशन में चेयर पे बैठ के स्टडी आवर्स में उसको एकम्प्लिश कर रहे हैं, जिस ड्रीम को पूरे दिन के लिए रखा, पूरे वीक के लिए रखा। तो माइनर टाइम बहुत छोटा होना, माइनर का अर्थ हुआ क्या हुआ? छोटा टाइम। छोटे टाइम को रखिए सोचने के लिए और बड़े टाइम रखिए उसको करने के लिए। देखिएगा एक स्टेटमेंट हमें हमेशा याद रहता है और मैं उसको फॉलो भी करता हूं। कहते हैं कि सक्सेस इज समथिंग दैट अट्रैक्ट, सफलता वो कुछ होती है जो आकर्षित करती है। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं वो कि बी अट्रैक्टिव टू बी सक्सेसफुल। देखिएगा इस स्टेटमेंट जरूर फॉलो कीजिएगा फॉर तैयारी करने से लेकर इंटरव्यू तक। बी अट्रैक्टिव टू बी सक्सेसफुल कहने का अर्थ हुआ कि आप अट्रैक्टिव बनिए। किन किन चीजों से? एग्जाम पास करने के लिए आपके शब्द अच्छे हों, आपके आंसर अच्छे हों, आपके फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे हों, सब मिला के आप एक बेहतर कैंडिडेट बने। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए कि आप अट्रैक्टिव लगें, विचार से, अपीयरेंस से, और जब कुछ लिखें तो एग्जामिनर तक आपका पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव रूप में पहुंचे। पर्सनैलिटी जो हमारी होती है आंसर राइटिंग की वो लेखनी से होती है, डायग्राम से होती है। डायग्राम में कितने ऑर्गेनाइज हैं, आपने कितने अच्छे वर्ड्स को उसमें लिखा है, सब मिला के आपकी एनर्जी चैनलाइज हो। देखिएगा एक दिन आप एक अच्छे आंसर लिखते हैं तो देखिए लगेगा कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज हमने आज क्रिएट किया है। एक दूसरा चीज और बताता हूँ, लास्ट चीज है। देखिएगा एक कैंडिडेट आंसर लिख के बड़ी उत्साहित होता है और एक व्यक्ति आंसर लिख के बड़े निरुत्साहित होता है। जिसने पूरा प्रिपेयर किया है, इसलिए स्पीकर ऑन ऑफ कर लीजिएगा। देखिएगा वो व्यक्ति जिसने पूरे मन से आंसर लिखा है, आंसर लिखने से पहले प्रिपेयर किया है, आंसर लिखने के बाद और भी उत्साहित होगा कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर लिखें। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप टेस्ट सीरीज लिखें तो छोटा सा यूनिट हमने दिया हो, उस यूनिट को पूरे मन से तैयार कीजिए, ठीक है। फिर उसको अपनी एक बार लिख लीजिए, फिर जहां भी आंसर पेपर आपको मिल रहा है उसको लिखने के बाद पोस्ट कीजिए, तो आप एक एनर्जी फील करेंगे, उत्साह भी रहेगा, आपका मोटिवेशन भी क्रिएट होगा और लगेगा कि मैं अपने ड्रीम के करीब, बिल्कुल करीब हूँ और वो चीज मैं अचीव कर सकता। तो दोनों चीज, प्रिपेयर्डनेस सबसे बड़ी चीज है, उसको तैयार कीजिए और एग्जाम परफॉर्म तभी होगा जब इस तरह के माहौल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारे वातावरण ठीक हो, हमारे ड्रीम के प्रति ओरिएंटेशन हो और फाइनली उत्साह जीवन का एक हिस्सा बन जाए। उसमें एक चीज और भी है कि जब हम डेली काम करते हैं तो उत्साह कभी कभी छिन्न होता है, कम होता है, लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। इसलिए एक दिन जरूर लीजर रखिए, कभी एक दिन ऑफ रखिए या 1/2 ऑफ रखिए, जो आप लीजरली फील कर सकें, अन्य काम कर सकें। लीजर का अर्थ होता है कि हम एक काम से शिफ्ट होकर दूसरे काम में थोड़ी देर के लिए डेविएट होना, जिससे कि फिर एनर्जी के साथ बैठे। इन चीजों को करना है, ठीक ना, बात समझ रहे हैं, क्लियर ना सर? और कुछ